cause I got the high note, boom, boom, across that garage. Hi guys, welcome back to the channel with a new video. So guys, जैसा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि आपको भी स्टंट सीखना है, काफ़ी दिनों से आप स्टंट वीडियो देख रहे थे मेरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस कमेंट पे एक वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे व्हीली मारते हैं, बेसिक व्हीली। अभी आपको हायर एक्सट्रीम लेवल स्टंट्स नहीं सिखाएंगे, उसके लिए आगे मैं देखूँगा, कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। तो गाइस चलिए चलते हैं, आज आपको सिखाएंगे कि कैसे स्टंट करेंगे। और अपनी ग्रीन ब्लैक आ चुकी है, आप लोग कह सकते हैं कि आपकी बाइकें एक साधारण बाइक नहीं होती है, पर गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भाई साहब आप जरा इधर आइए, इसमें जो एस सी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ था वो मैंने हटवा दिया है। तो गाइस इट्स 1:14 AM, काफी रात हो चुकी है, तब भी मैंने कहा कि जो वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट करने जा रहा हूँ, बेसिक बाइक उसके लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आप लोगों की बाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। ये डुअल पिस्टन का था, अभी मैंने निकाला, ये देखिए ऑयल लीक हो रहा है, मैंने माउंट बनवाया था। इसके बारे में भी आपको अगर जानना हो कैसे आप हैंड ब्रेक बनवा सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। गाइस काजा से आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये पल्सर 220 के बारे में मुझे सब कुछ जान लेना चाहिए, अभी मैं खुद ही ये सब कर रहा हूँ। सीधे चलते हैं लोकेशन पे और सिखाते हैं आपको स्टंट। और भी कुछ चीज़ें जो मैंने कैनन फिल्टर लगवा रखा था वो भी हटा दिया है, कि जिसमें आप समझ जाएं कि एक नॉर्मल गाड़ी से भी स्टंट्स हो सकते हैं। तो चलिए फिर स्टंट आपको सिखाते हैं कि कैसे व्हीली, बेसिक व्हीली आप अपनी बाइक से कर सकते हैं। मेरी ये बजाज पल्सर 220 है, आप किसी भी बाइक से कर सकते हैं, पाचे से कर सकते हैं, आरएस से कर सकते हैं, बाइक से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कैसे होता है। तो चलिए आपको आज ट्यूटोरियल देते हैं कि कैसे बेसिक व्हीली आप मार सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ कि जहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे आप ऐसी जगह स्टंट्स करिए जहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो, कोई ऐसी सुनसान सी जगह पे करें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आप सारे सेफ्टी गियर्स पहन लीजिए। देखिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, एल्बो गार्ड्स पहन रखे हैं, नी गार्ड्स पहन रखे हैं और हेलमेट रखा है। वाइज आप भी हेलमेट और सारे सेफ्टी गियर्स यूज़ करिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है, तो चोट मत पहुँचाइए अपने आप को। और स्टंट सीखिए, और आए हैं तो सीख के ही जाइएगा। सो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ देखिए, अभी तो विंटर्स है, मैंने जैकेट पहन रखा है, कोई राइडिंग जैकेट नहीं है पर ये जैकेट है। और उसके बाद आपको ये करना है, आपको हेलमेट पहनना है, बहुत रिकमेंडेड है ये, हैशटैग रिकमेंडेड। और आइए पास में, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, चाबी ऑन करनी है आपको। सो गाइस बेसिक व्हीली मारने के लिए आपको करना कुछ इस तरीके है, आपको गाड़ी फर्स्ट गियर पर डाल रखनी है, आपको ये जो आपके शोल्डर्स हैं ये आपको बिल्कुल भी ऐसे लूज नहीं करने हैं, एकदम स्ट्रेट रखना है आपको, और टाइट हैंडल पकड़ के रखना है कि जिसमें कि आप जब व्हीली मारें गाड़ी आपकी ऐसे हो तो आपकी गाड़ी ऐसे, मतलब आपको ये एकदम स्ट्रेट रखना है कि ये जब आपका टायर हवा में होगा अगला टायर, तो ये हैंडल आपका मुड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आपका हैंडल मुड़ गया तो आप सेफ लैंडिंग नहीं ले सकते। अब आपको पास आइए, अब आपको दिखाते हैं को यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें पकड़ के रखनी है, कैसे क्या चीज़ें। सो गाइस आप जब ऐसे पकड़े होंगे तो आपको इधर से तो अगली ब्रेक का आपको काम नहीं है, पर जब आप बाइक अपनी स्टार्टअप ले रहे होंगे व्हीली अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको हाथ अपने एकदम टाइटली पकड़ रखने होंगे इस पर, और ये क्लच आपको एक फिंगर से पकड़ना होगा या आप टू फिंगर से पकड़ सकते हैं। वैसे तो मैं एक ही फिंगर से पकड़ता हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप इसको सब उंगलियों से पकड़ेंगे, सारी फिंगर से पकड़ेंगे, तो आप फिर इसको नहीं सही से पकड़ पाएंगे, इसलिए आप इसको एक उंगली से पकड़िए और इसको काफ़ी सही से टाइटली पकड़ रखिए। और गाइस ध्यान रखिएगा कि व्हीली अटेम्प्ट करते टाइम बिल्कुल भी आप हैंडल बिल्कुल मत छोड़ें, और ये एकदम स्ट्रेट रखें, जिससे कि जब आपकी गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी एक चक्के पे आ जाएगी तो ये बिल्कुल भी ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर ये तिरछी लैंडिंग आपने ले ली तो गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप लोगों के कहने पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, अपने रिस्क पर करिए ये सब। अब आप लोग कहते हैं कि सिखाओ तो सिखा रहा हूँ, पर समझदारी के साथ में करिएगा। देखिए मैं पहन के आया हूँ सब। और गाइस जो बाइक आपकी सही होनी चाहिए, पूरी हैंडल एकदम आपका एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल भी लेफ्ट राइट भाग ना रहा हो, ये एकदम आप पूरी बाइक एकदम सही रखिए, चेन स्पोकेट सही रखिए, हैंडल रॉड फॉक्स
ये सब बाहर, ये सब आपकी सब सही होनी चाहिए, सही हो तभी आप स्टंट्स करिए, वरना मत करिए। आपको पुल देना है, आप ऐसे पुल दीजिए, पुल आपको पूरा पुल देना है आपको, पर पूरा सिर्फ खींचना नहीं है आपको ऐसे गाड़ी, उसी समय में आपको रेस लेना है थ्रॉटल, और बहुत ज़्यादा थ्रॉटल मत ले लीजिएगा, क्लच क्लच छोड़िए और उसी कॉम्बिनेशन में थ्रॉटल लीजिए, मतलब सब आपको बहुत माइन्यूट सी चीज़ें, आपको सब कॉम्बिनेशन ऐसे एक बार में आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी इसके लिए। और एकदम से ये नहीं कि आपने क्लच छोड़ा और पूरा एक्सीलेटर ले लिया, आपकी बाइक ऐसे हो जाएगी। आपको इन केसेस लग रहा है जैसे कि बाइक बहुत ज़्यादा आपकी खड़ी हो गई, आप तुरंत रियर ब्रेक टैप करिए और आपकी बाइक नीचे आ जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा उठे तो आप हैंडल हैंडल छोड़ मत दीजिए, ऐसे घबरा मत जाइएगा आप, बस आपको सिंपली करना क्या है, टैप करिए पिछली ब्रेक, तुरंत आपकी बाइक ऐसे तड़ाक से नीचे आ जाएगी, तड़ाक में समझ रहे हैं, फौरन अत्यंत तुरंत। और ये पोजीशन आपको एकदम स्ट्रेट रखना है आपको, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे क्या करना है, आपको ऐसे रखना है, पहले आपको हैंडल स्ट्रेट करना है और ऐसे पुल करना है आपको, और क्लच और ये थ्रॉटल एकदम से ऐसे करना है आपको, पर पूरा मत लीजिएगा गाइज, नहीं पलट जाएंगे आप। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ, और ब्रेकिंग की बात अभी मैं नहीं करूँगा, ब्रेकिंग के लिए अभी आप मत सीखिए ब्रेकिंग, वो हाई लेवल के लिए होती है ब्रेकिंग, लॉन्ग व्हीली मारने के लिए, वो अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, तो आप जज करिए कि कैसे मैं मार रहा हूँ व्हीली। सो गाइस, रुकावट के लिए खेद है आपको, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं बताना भूल गया, जब घर पे मैं आया एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि मैं बताना भूल गया था आपको, व्हीली आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसके बाद जब आपका टायर हवा में आ चुका होगा, तो आपकी बाइक इन केसेस लेफ्ट राइट जा रही है, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है। सो गाइस, आपको हैंडल तो एकदम टाइट पकड़ रखना है, जैसे लेफ्ट जा रही है तो आप ऐसे अपने यहाँ से ऐसे ऐसे इधर इधर होइए, जिससे कि आपकी बाइक बैलेंस रहे, मतलब इधर उधर जाएगी वो थोड़ा, तो आप यहाँ से या पैर ऐसे आप इधर उधर करके अपने बैलेंस कर लीजिएगा। ये बात बताना रह गया था तो मैंने कहा कि बता दूँ। और एक और चीज़, जब आप व्हीली अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे तो उससे पहले आप अपने रियर टायर की थोड़ी सी हवा निकाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 25 PSI या 20 PSI पे रख दीजिए, उसकी वजह से आपकी बैलेंसिंग काफ़ी सही हो जाएगी और आपकी व्हीली थोड़ी लॉन्ग जाएगी बिना ब्रेकिंग के, बेसिक व्हीली इस वीडियो में जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो चलिए फिर लोकेशन पे चलते हैं सीधे। ओके गाइस, You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. मैंने थ्रॉटल एक बार लिया, काफी लिया कि बाइक स्ट्रेट खड़ी हो जाए, पर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूअसली उसको थ्रॉटल को छोड़ता रहा, लेता रहा, और क्लच की थोड़ी सी मदद लेनी है आपको पहली बार में, जब आपको पुल करना है तब आपको, मतलब आपको ऐसे हाथ से ऐसे नहीं उठा देना है, वो इंजन का खेल है, उसमें सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अप्लाई होती है, पर आपको पहली बार में थ्रॉटल ऐसे लेना है, उसके बाद फिर कंटिन्यूस लॉन्ग थोड़ा व्हीली करने के विदाउट ब्रेकिंग के, बेसिक व्हीली के लिए आपको ये देखना होगा एक्सीलेटर कि ये सही से रहे। एक बार फिर से मार के आपको मैं दिखाता हूँ व्हीली, सेकेंड अटेम्प्ट, ध्यान से देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिए। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. तो गाइस, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। एक और चीज़ है, जब आप स्टार्टअप लेंगे, लॉन्च करेंगे अपनी बाइक को, व्हीली अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले आप थोड़ा एक्सीलेटर लीजिए, मतलब नियंत्रित करिए, शुद्ध हिंदी में आपको बता रहा हूँ, बाइक को बैलेंस देखिए, उसका बैलेंस करिए, उसको स्टार्टअप लेते टाइम थोड़ा सा थ्रॉटल लीजिए, क्लच से थोड़ा लीजिए, मतलब आप थोड़ा देखिए कि बाइक आपकी सही चल रही है, सही लेवल पे है। और जब स्टार्टअप लेंगे आप तो थोड़ा ब्रेक की भी कंट्रोलिंग लीजिए, रियर ब्रेक की, बस स्टार्टअप लेने के टाइम, और इसकी ज़रूरत पड़ती है जब एक्सट्रीम काफ़ी लॉन्ग व्हीली मारनी होती है, पर अभी आपको बेसिक व्हीली सिखाई जा रही है इस वीडियो में, तो थोड़ी सी टैप करिए, ये सब कर एक ही टाइम, मतलब सेकेंडों का खेल है, आपको
क्लच भी एक ही साथ रिलीज करना है, थ्रॉटल भी लेना है, पर बहुत नहीं लेना है कि आपकी गाड़ी 12 o'clock पे हो जाए। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो में कुछ नॉलेज मिली होगी कि कैसे बेसिक स्टंट करते हैं, बेसिक व्हीली करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ नया पता चला होगा कि स्टंट्स कैसे करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी ज़रूर कि आपको क्या मतलब कुछ और मुझे आपको इसमें जानकारी देनी चाहिए थी, कुछ और डीप एनालिसिस करनी चाहिए थी। और गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो गाइज, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, राइड सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do.